न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सबसे तेज खबर पाने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पूरे देश में लॉकडाउन में हर कोई सोशल डिस्टेंस का पालन करने में लगा हुआ है, फिर चाहे वह आम व्यक्ति हो या खेतों में काम करने वाले किसान। कोरोना वायरस के चलते अब किसान भी अपने खेतों में काम करने के दौरान सोशल डिस्टेंस का पूरा ध्यान रख रहे हैं और सोशल डिस्टेंस के तहत ही अपने गेहूं की कटाई कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए खेत में गेहूं की कटाई करते इन किसानों का यह नज़ारा उत्तर प्रदेश के बरेली का है, जहां किसान अपने गेहूं की फसल को सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए कटाई कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंस का पालन करते खेतों में गेहूं की फसल काट रहे किसानों का कहना है कि पिछले 6 महीने से वह गेहूं की फसल को तैयार करने में लगे हुए थे और अब जब वह फसल पककर पूरी तरह से खेतों में कड़ी है, तब देश में लॉकडाउन लगा हुआ है और अगर समय पर गेहूं की तैयार फसल को नहीं काटा गया तो वह खराब हो सकती है। इसलिए अपना भी ध्यान रखते हुए और सरकार के द्वारा बताए गए सोशल डिस्टेंस के नियमों का पालन करते हुए वह खेतों में अपना काम कर रहे हैं और गेहूं की तैयार फसल को काट रहे हैं। क्या नाम है? नाम करण सिंह। करण सिंह, बताइए, आप गेहूं की कटाई कर रहे हैं, किसान हैं, किस तरह से सोशल डिस्टेंस बनाए हुए हैं, कैसे लॉकडाउन? अब ये कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन कर रखा है सरकार ने दिशा निर्देश भी जारी किए हैं गेहूं काटने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखे हैं, तो इसलिए 2-3 मीटर की दूरी से ही गेहूँ काट रहे हैं बैठ के। अच्छा, परिवार के सब लोग अलग अलग? हाँ, तो 3 मीटर यहाँ काट रहे हैं, 3-4 मीटर दूर दूसरा जाना काटेगा, फिर 3-4 मीटर दूर इधर काटेगा, इस तरह से दूरी बनाए कटाई कर रहे हैं। मतलब किसानी के जो काम है उसमें सब में सोशल डिस्टेंस? हाँ हाँ, सरकार ने जो दिशा निर्देश दिए हैं उसी के अनुसार काम कर रहे हैं। इससे तो फ़ायदा हम ही लोगों को, समाज को फ़ायदा है, हमको फ़ायदा है, परिवार को फ़ायदा है, इस बीमारी से बचें, दूर रहें।